हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद स्वरा। और यहाँ पे आपको इंग्लिश सबके लिए मिलेगी। तो आज मैं लेके आई हूँ कि टीचर लोग इंग्लिश में कैसे बात करें, कैसे क्लास में एंट्री करें और कैसे कॉन्वर्जेशन स्टार्ट करें इंग्लिश में। तो फिर चलिए चलते हैं, देखते हैं पहला सेंटेंस क्या है। गुड मॉर्निंग क्लास। जाहिर सी बात है, आप लोगों ने सुना भी होगा, आपकी टीचर्स भी बोलती होगी एंट्री के साथ साथ फर्स्ट पीरियड में गुड मॉर्निंग क्लास। सेकेंड है नाउ क्लास आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस, यानी कि हिंदी में उसका होगा अब क्लास मैं हाजिरी लूँगी। तो आप लोग भी ऐसे बोल सकते हैं नाउ क्लास आई एम गोइंग टू टेक अटेंडेंस इफ़ यू आर अ टीचर। द नेक्स्ट सेंटेंस इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, यानी कि क्या सब तैयार है शुरू करने के लिए। इज़ एवरीबडी रेडी टू स्टार्ट, क्या सब लोग तैयार हैं शुरू करने के लिए, क्योंकि अटेंडेंस भी लेनी है। नेक्स्ट है सेटल डाउन प्लीज़, ये भी बहुत ही कॉमन है। सेटल डाउन यानी कि अच्छे से बैठ जाइए, आप लोग जो खड़ा है वो बैठ जाए आराम से ताकि अटेंडेंस ले सके। तो सेटल डाउन प्लीज़, अच्छे से बैठ जाइए आप लोग। वी वोंट स्टार्ट अनटिल एवरीवन इज़ क्वाइट, ये भी बहुत कॉमन सेंटेंस है। हम लोग शुरू नहीं करेंगे जब तक कि सब चुप नहीं हो जाते, क्लास में शोर होता है। तो मैम बोल रही वी वोंट स्टार्ट अनटिल एवरीवन इज़ क्वाइट। ओके डैट्स इनफ, यानी कि सब लोग बैठ जाते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं। तो फिर मैम बोलते हैं ओके नाउ वी कैन स्टार्ट, यानी कि ओके डैट्स इनफ, हाँ अब ठीक है। डैट्स इनफ, हाँ अब ठीक है। फिंगर्स ऑन लिप्स भी बहुत ही कॉमन है, आप लोग ने सुना होगा, यानी कि चुप कराना, मुंह पे उंगली रखना, चुप कराना, फिंगर्स ऑन लिप्स। जब बच्चे ज़्यादा बात करते हैं तो टीचर गुस्से में बोलती फिंगर्स ऑन लिप्स। तो नेक्स्ट देखते हैं क्या है सेंटेंस। हैव यू ऑल डन योर होमवर्क, क्या आप सब ने होमवर्क कर लिया है। टीचर पूछ रही है कि हैव यू ऑल डन योर होमवर्क, क्या आप सब ने होमवर्क कर लिया है। मॉर्निंग में तो पूछती हैं टीचर लोग क्लास के साथ। दोज हु डिडंट स्टैंड अप, यानी कि जिन्होंने नहीं किया खड़े हो जाएं, जिन्होंने नहीं किया खड़े हो जाएं। दोज हु डिडंट स्टैंड अप, डिडंट का वो डिड नॉट होगा। गो आउट ऑफ द क्लास, यानी कि जो खड़े हो जाते हैं, जो होमवर्क नहीं करते हैं तो गुस्से में बोलते हैं क्लास के बाहर जाओ। तो इंग्लिश में बोलेंगे गो आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर जाओ। गो आउट यानी कि बाहर जाना, ऑफ द क्लास क्लास के। एंड रेज योर हैंड्स, और अपने हाथों को ऊपर करो, यानी कि ऊपर करें पनिशमेंट मिलती है कि बाहर जाए। गो आउट ऑफ द क्लास एंड रेज योर हैंड, दैट इज द फुल वन सेंटेंस बट आई हैव डिवाइडेड इन टू। सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज चिल्ड्रन टेक आउट योर नोटबुक्स, बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालो। चिल्ड्रेन टेक आउट योर नोटबुक्स, नोटबुक्स को बुक को इंग्लिश में नोटबुक्स बोलते हैं। बच्चों अपनी अपनी किताबें निकालो। आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड नोट इट डाउन, यानी कि मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ और आप लोग उतारें, आप लोग नोट करें उसको जो मैं लिख रही हूँ बोर्ड पर। तो आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड, आई एम राइटिंग ऑन द बोर्ड नोट इट डाउन, कॉमा के बाद नोट इट डाउन, यानी कि आप लोग उतारें उसको जो मैं लिख रही हूँ। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज़ आस्क, अगर समझ नहीं आए तो पूछें। एक्सक्यूज मी, अगर समझ नहीं आए तो पूछें। इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड प्लीज आस्क। टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू लेसन, कल मैं नए पार्ट से शुरू करूँगी, कल मैं नए पार्ट से शुरू करूँगी। टुमारो आई विल स्टार्ट विद अ न्यू लेसन। सो गेट प्रिपेयर्ड एंड कम, ये भी मैम लोग बोलती है ना कि कल मैं शुरू करूँगी तो आप तो तैयार करके लाइएगा, अच्छे से तैयारी करके आना। सो गेट प्रिपेयर्ड एंड कम, सो गेट प्रिपेयर्ड एंड कम। आई एम नॉट गोइंग टू हियर एनी एक्सक्यूजेज, एक्सक्यूजेज यानी कि बहाने, एक्सक्यूज माने बहाना होता है एक्सक्यूजेज। तो मैं कोई भी बहाना नहीं सुनूंगी। तो वो स्टूडेंट बहुत बहाना करते हैं ना, मैम लाइट नहीं थी, ये नहीं था, एग्ज़ाम्स आर विद इन 3 मंथ्स। तो मैम बोली मैं कोई बहाना नहीं सुनूंगी, आप लोगों को प्रिपेयर करके आना है क्योंकि परीक्षा 3 महीने के अंदर है, एग्ज़ाम्स आर विद इन 3 मंथ्स।
मैं चाहती हूँ कि आप सब अच्छे नंबरों से पास हो, कौन नहीं चाहता है, हर टीचर यही चाहती है, तो उसकी इंग्लिश हो गया आई वॉन्ट एवरी वन शुड गेट पास विथ गुड मार्क्स। इसीलिए आज से पढ़ो, सो स्टडी फ्रॉम नाउ, फ्रॉम नाउ यानी कि अभी से, आज से, सो स्टडी फ्रॉम नाउ, इसीलिए आज से पढ़ो या फिर इसीलिए अभी से पढ़ो, स्टार्ट योर स्टडी फ्रॉम नाउ। इज़ गोइंग टू बी लंच आफ्टर 5 मिनट्स। तो जब लंच का टाइम होता है तो मैम लोग बोलती हैं, फिर सर लोग बोलते हैं 5 मिनट के बाद लंच होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी लंच आफ्टर 5 मिनट्स। क्या सबके पास डब्बा है खाने का? डब्बा वही लंच बॉक्स। डज एवरी वन हैव देयर लंच? डज एवरी वन हैव देयर लंच बॉक्स यहाँ पे होगा, जो मैं भूल गई लिखना। बच्चों पहले जाओ और हाथों को अच्छे से धो। चिल्ड्रेन फर्स्ट गो एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली। चिल्ड्रेन फर्स्ट गो, पहले जाओ एंड वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली, हाथ अच्छे से धो। क्लीन द टेबल आफ्टर ईटिंग। क्लीन द टेबल यानी क्लीन यानी कि साफ करना, कुछ भी हो सकता है, क्लीन द चेयर, क्लीन द फ्लोर, तो कुछ भी साफ करना। तो टेबल को साफ करो खाने के बाद, आफ्टर ईटिंग, खाने के बाद मेज साफ कर देना। अब आप लोग अपनी डायरी और होमवर्क लिखिए। नाउ क्लास टेक आउट योर डायरीज एंड नोट डाउन योर होमवर्क, यानी कि अब अपनी डायरी निकालिए और होमवर्क लिखिए। नाउ क्लास टेक आउट योर डायरीज एंड नोट डाउन योर होमवर्क। इतिहास की किताब का नवा पाठ पढ़कर आइएगा, ये तो काफ़ी शुद्ध हिंदी हो गई, तो इसकी इंग्लिश होगी रीड चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री बुक एंड कम। रीड चैप्टर 9 ऑफ हिस्ट्री बुक एंड कम। तो क्लास आज के लिए इतना ही। सो क्लास इट्स इनफ फॉर टुडे। मैम पढ़ा दी, होमवर्क भी दे दी, लंच भी हो गया, तो अब बोल रही हैं कि उनकी क्लास ओवर हो गई। सो क्लास इट्स इनफ फॉर टुडे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का वीडियो, कैसा लगे तो प्लीज़ आप बताइएगा कमेंट में, और शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियोज़ को। एंड फ्रेंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।